महात्मा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज के मैदान पर नेशनल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित 5 दिवसीय ललित कला महोत्सव का सोमवार को सकुशल समापन हुआ। ललित कला प्रतियोगिता के समापन महोत्सव के मुख्य अतिथि नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को राखी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए आयोजित ललित कला महोत्सव में लगभग 70 विद्यालयों के 2200 छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया था। ललित कला महोत्सव के समापन समारोह में सचिव मार्ग केशवनाथ पांडे, प्रधानाचार्य ओम प्रकाश सिंह, पूर्वी नारायण पांडे, रचना सिंह भदौरिया, प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह दुबे, सविता रानी सिंह, प्रेम नारायण श्रीवास्तव सहित प्रतिभागी विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सफलता सफलता विजय पराजय से परे हटकर धन्यवाद इस हम लोगों के अत्यंत आत्मीय बंधु नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी की प्राण वायु प्रिय मंकेश्वर नाथ पांडे जी, उनकी धर्मपत्नी, इंटर कॉलेज दोनों की आदरणीय शिक्षिका बहनों, का कितना बड़ा खामियाजा हो रहा है, युवा पीढ़ी को भुगतना पड़ रहा है, उसका एक उदाहरण देकर मैं आपको बताऊं। अभी पिछले दिनों सितंबर माह में झांसी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में दीक्षांत में मुख्य अतिथि के रूप में दिनेश शर्मा जी आने वाले थे। मैंने एक अपने सहयोगी बंधु से कहा कि इनका साइटेशन तैयार कर दो। पता नहीं क्या मेरी बुद्धि में आया, मैंने कहा जरा एक बार दिखा लेना, उनका बायोडाटा भी आया है, मैंने आपको भेजा है। कहा नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, इंटरनेट से मैंने निकाल लिया है। फिर भी छपने जाने के पहले मैंने कहा कि एक बार जरा दिखा तो दो। दिखाया उसने, आधा उनका और आधा मौर्य जी का। लखनऊ विश्वविद्यालय के आचार्य रहे, हलासन में इलाहाबाद के अमुक जगह से विधायक हुए, 14 में सांसद हुए और क्या क्या। हमने माथा पीटा, हमने कहा ये कहां से मिला, तो कहा सब इंटरनेट से मिला है। कहा इंटरनेट से कैसे, कहा कि डिप्टी सीएम यूपी डाला तो निकल गया। अब उसने पूरा पढ़ने की कोशिश नहीं की, आधा उनका आधा इनका लेकर के एक साइटेशन तैयार हो गया। कल्पना करें कि अगर वो छपता तो क्या होता। इसलिए ये जो इंटरनेट और गूगल आपको ज्ञान दे रहा है तथा कथित सो कॉल्ड, उसको आप कतई विश्वास न करें, क्योंकि मैन बिहाइंड मशीन, जो उसके पीछे आदमी है, इंटरनेट पर जिसने फीड किया है, उसके ज्ञान की एक सीमा है। हमारी आवश्यकता क्या है, हमको क्या करना चाहिए, हमको यानी शिक्षण संस्थाओं को यह करना है कि उस सूचना को ज्ञान में ट्रांसमिट करके, रूपांतरित करके आपको दें। अगर हम अपनी इस क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते, कोई विद्यालय नहीं कर पाता, विश्वविद्यालय नहीं कर पाता कि ज्ञान को रूपांतरित करके बच्चों में नहीं दे रहा है, केवल सूचना दे रहा है, तो वही होगा। हाय मेरा बच्चा 93% पर ही रह गया और डॉक्टर साहब की बेटी ने 99% ले लिया, अब तो मुझे डूब मरना चाहिए। ये जो माता पिता में धारणा आ गई, ये ठीक कहा उन्होंने कि 93-96 के आसपास, ये हम लोगों के समय में कल्पना से परे की चीज थी। मोहित मल्ल, साहिद रजा, नीचे आके खड़े हो जाइए, फोटो बन जाएंगे। इंडियन नेशनल पब्लिक स्कूल के तैयार रहेंगे बच्चे, ये बच्चे मंच तक आ जाएं। इन्होंने तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया है और तृतीय पर दो बच्चे, दो टीमें हैं, एक महात्मा गांधी इंटर कॉलेज की प्रज्ञा सिंह, द पिलर्स पब्लिक स्कूल गोरखपुर सिविल लाइन्स की इनेत प्रज्ञा सिंह, तृतीय स्थान पर है अंजलि सिंह, ऋतिक यादव और महिमा सिंह डिवाइन पब्लिक। इन हर कार्यक्रमों में डिवाइन पब्लिक स्कूल की दो ब्रांच बिछिया और मोहनाल
नागपुर डिवाइन पब्लिक स्कूल बिछिया के छात्र हैं। जल्दी आ जाए मंच पर। ये सब आप लोग संबोधित यहीं बैठ जाए, पैर नीचे ले। प्रतिभागियों से अनुरोध है कि उनके अगर फादर्स का नाम पिता नजदीक आ जाए, बेटियां और नजदीक आ जाए तृतीय स्थान के लिए। हाँ ठीक है ठीक है, आगे देखो पीछे चलो थोड़ा पीछे जाओ एक पीछे ये दोनों साइड में आ जाओ। तो कहाँ हो रही है